आइए भक्ति रस से ओतप्रोत भक्त चरितांग भक्त माल से पृष्ठ क्रमांक 315 एक ऐसे महान भक्त की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। भील जाति में जन्म हुआ, नाम जिसका चक्रिक हुआ, द्वापर युग की ये बात है। चक्रिक को वेद पुराण का ज्ञान नहीं था, लेकिन सच्चे मन से केशव गोविंद नाम का रटन हमेशा करता रहता था। वन में मंदिर था भगवान श्री हरि विष्णु का, वन से जो भी फल उसे मिलते वो पहले उस फल को खुद चाखता कि फल मीठा है या खट्टा है। यदि फल मीठा होता तो उस मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि को अर्पण करता, अर्थात झूठे फल। ऐसा भोला भक्त एक दिवस वन में एक फल जो पका हुआ उसे दिखा, चारोली जिसको कहते हैं प्याल, उस फल को उसने तोड़ा और इस उद्देश्य कि ये फल भगवान को चढ़ाऊंगा यदि अच्छा मीठा हुआ तो। जैसे ही मुंह में रखा इतना मीठा फल था, गले मुख से गले में उतर गया। आज चक्रिक बड़ा परेशान हुआ कि ये मेरे साथ क्या अपराध हो गया, ये मुझसे क्या पाप हो गया, ये फल तो केवल भगवान के लिए था, ये इस फल को कैसे निकाला जाए। कई प्रकार के प्रयत्न करने लगा लेकिन फल निकलता नहीं है। तब देखिए एक धारदार हथियार से अपने गले को काटता है, उस फल को निकालता है और मंदिर में जाकर श्री हरि को अर्पण करता है। भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बात, आइए भक्त चक्रिक की कथा श्रवण करेंगे। चक्रिक उसका नाम था, न शास्त्रों का था ज्ञान, सच्चे मन से लड़ता रहता के सब गोविंद नाम, मात पिता की सेवा करता रहता था खुशहाल। आइए सुबह शाम हर क्षण केशव गोविंद रटता रहता, केशव माधव नाम को रटता रहता। देखिए भक्त चक्रिक क्या करता है। कर लेता है सुबह हो शाम,
केशव और माधव का नाम। हर तन मन से भक्ति करे नहीं, वेदों का है उसको ज्ञान। तन मन से भक्ति करे नहीं, वेदों का है उसको क्या हुआ। अरे लेता है सुख हो सा केशव और माधव का नाम। मीठा होता तो श्री हरि को अर्पण करता। देखिए क्या हुआ। अरे फल तो भी लाता बड़ी श्रद्धा दिखाता, चखता मीठे फल को फिर झूठा चढ़ाता। फल तो भी प्रतिदिन अपना समय भक्ति में गुजारता, माता पिता की सेवा करता। एक दिवस वन से चारोली का फल तोड़ा और चाखने जैसे गया फल गले चला गया। आज बड़ा संताप करता, बड़ा दुख होता है। ये फल तो ईश्वर के लिए परमात्मा के लिए था, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। देखिए क्या हुआ। क्या करता है वो फल खा गया हुई नादानी, क्या ये मेरे साथ हो गया। कहता है वो भगवान दया करो मुझ पे, ये कैसा अपराध हो गया। फल खा गया, फल खा गया हुई नादानी, क्या ये मेरे साथ हो गया। फल खा गया हुई नादानी,
के लिए। चक्र कई प्रकार के प्रयत्न करता है, अपने गले को दबाता है, मुंह में हाथ डालता है, लेकिन फल निकलता रही क्या करना है। हो करे यत्नों तो कई जत्नों तो चोरी है उसका चलता नहीं। फल खा गया कोई ना दादी का ये मेरे साथ हो गया। फल खा गया कोई ना दादी का ये मेरे साथ हो गया। फल खा गया। और देखिए फल निकलता नहीं है, कई प्रकार के प्रयत्न करता है और अंत में उस मंदिर के समीप जाता है और एक धारदार हथियार से अपने गले को काटता है और फल गले से निकालकर श्री हरि को अर्पण करता है। और देखिए परम आदरणीय पप्पू भैया जी, इनकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान। भक्त क्या करता है? हेलो संतोष भैया, कुछ लोगों को कथा समझ में नहीं आई, स्पष्ट थोड़ा कर दें तो वो नोट कर लेंगे। ये भक्त चक्र की कथा है जी, भक्त चरितांक में इस पुराण में ये लिखी हुई है, मेरे पास भी है, मैं आपको लाके बता सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्रमाण तो है आपके, प्रमाण की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कुछ सदस्यों को समझ में नहीं आई इसलिए दोबारा आपसे पूछना पड़ा। और पूछने में कोई संकोच की बात नहीं है, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के निर्णायक की भूमिका जो अदा करने आए हैं श्री ओम प्रकाश जी यदवंशी पेटी मास्टर साहब, उनका समिति की ओर से हम हृदय से स्वागत करते हैं। और जो भी निर्णायक हमारे बैठे हैं इधर उधर, हम सभी का हृदय से स्वागत वंदन करते हैं। आगे भक्त चक्रिक है, उसका नाम भील पुत्र है, भील बालक है, और जिसने एक फल खा लिया था भगवान का, हमेशा गोविंद केशव नाम का रटन करता था, द्वापर युग की ये बात है, और उस फल को कंठ से निकालकर भगवान को अर्पण किया। भगवान तत्काल प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम क्या पर मांगना चाहते हो? तब भक्त चक्रिक ने केवल अमोघ भक्ति मांगी है, मैं आपको प्रमाण सहित बता सकता हूं। तो देखिए क्या हुआ, और देखिए अपने गले को धारदार हथियार से काटा और उस फल को निकाला, लहू लुहान हो गया, उस फल को श्री हरि को अर्पण किया। देखिए क्या हुआ, क्या? अरे भक्ति ने भक्ति का, वाह, अरे किस्सा कमाल कर दिया। वाह भैया, क्या किया? क्या? अरे काट गले को अपने, अरे खुद को निहाल कर दिया। वाह, क्या हुआ? क्या? अरे भक्ति ने भक्ति का किस्सा कमाल कर दिया। भक्ति का किस्सा कमाल कर दिया। क्या हुआ?
दिया फल प्रभु को अर्पण, शुद्ध बुद्ध खो गया उसी ही क्षण। मूर्छित हुआ, भगवान तत्काल प्रसन्न हुए और कहते हैं मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। देखिए भक्त ने कहा है प्रभु, आपके दर्शन मात्र की ये मेरी कामना थी, मुझे आपकी अमोघ भक्ति दीजिए। देखिए क्या हुआ, और भक्त दीवाना भक्ति में फिर खो गया, अर दर्शन पाकर आज मगन मन हो गया। भगवान श्री हरि के चतुर्भुज की उस रूप की स्तुति करता है और देखिए मन ही मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। क्या होता है, क्या हो, खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया। भक्त दीवाना भक्ति में फिर खो गया, दर्शन पाकर आज मगन मन हो गया। दर्शन पाकर आज मगन मन हो गया। आज भगवान कहते हैं मांगो, तब देखिए चक्रिक कहता है प्रभु, प्यास है प्यारे, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया। अरे भक्त दीवाना भक्ति में फिर खो गया, दर्शन पाकर आज मगन मन हो गया। कहता है प्रभु, मुझे वो अटल ऐसी भक्ति दीजिए जिससे सदा मैं आपके चरणों का दास बना रहूं, सदैव आपका नाम मेरे मुख से निकलता रहे। देखिए क्या कहता है, क्या अरे प्रभु दास को दे दो इतना ये वर, क्या बात भैया, ऐसा अचल बल दीजिए। अरे प्रभु दास को दे दो पर ये अटल है, अरे भक्ति मिले मुझको अविरल अचल है। ओहो क्या कहा, अरे प्रभु दास को दे दो पर ये अटल है। Oh,
देखिए चक्रिक को वो अमोघ वरदान दिया कि सदैव तुम्हें मेरी ये भक्ति मिलती रहेगी, हर जन्म में तुम मेरे भक्त होंगे, यही कथा का अंजाम।